Hey, what's up guys, host Utpal, I'm back with another video. और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो आज यहाँ पर हम देख सकते हैं यस बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आज काफ़ी ऊपर ये बंद हुआ है। आज टोटल 2.14% की बढ़त दिखाई, यानी 0.25 होती है वो, स्टॉक की प्राइस ऑब्वियसली कम है इसलिए। वेल, हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग 11.70 था, आज ओपन किया 11.95 है, जहाँ पे अभी भी है। हाई बनाया 12.10 का, लो बनाया था 11.85 का, यानी आज ये ऊपर ही रहा है, ये हायर लोज बना है। हायर लोज का मतलब होता है इसके प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर का लो बना है इसने, और क्लोज ऑब्वियसली सेम प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था 11.95 पे हुआ है। वेल, आज हम देखते हैं यहाँ पर 48.101% डिलीवरी हुई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली काफ़ी डिलीवरी है, काफ़ी लोग हैं इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने एफपीओ में बाय किया है, काफ़ी लोगों के पास पहले से था। वेल, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले सारे डिस्कस करेंगे, हम दो न्यूज़ देख लेते हैं, दो न्यूज़ आई है इसके ऊपर, वो न्यूज़ के साथ साथ हम स्टॉक को कम्प्लीटली बताएंगे। वेल, यस बैंक लुक्स टू कैव आउट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ट्रांसफर्स ट्रस्ट असेट्स टू टू आर्म्स एमडी। इसके एमडी ने प्रशांत कुमार जी ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, न्यूज ही पढ़ लेता हूँ आपको ताकि समझ में आए टोटली। लुकिंग आउट कार्ड आउट इट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड ट्रांसफर इज स्ट्रेस्ड असेट्स इनटू टू सेपरेट सब्सिडीज, यानी इसके जो स्ट्रेस्ड असेट्स है उसे दो सेपरेट सब्सिडीज में डिवाइड करें। इट्स एमडी प्रशांत कुमार सेड इन एन इंटरव्यू, यस विल ऑल्सो लुक टू गेट इक्विटी पार्टनर्स इन दीज टू बिजनेसेस लेटर, यानी ये अपने दो जो नए सब्सिडी बिजनेस निकालेंगे उसके ऊपर ये इक्विटी पार्टनर्स भी ढूंढेंगे। ओके, द लेंडर इज क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर व्हाट विल बी एन इन हाउस बैड बैंक दैट विल हाउस ऑल इट्स बैड लोन्स एंड ऑल्सो बाय बैड एसेट्स फ्रॉम अदर लेंडर्स। अ कंसल्टेंट टू डिजाइन दिस प्रोजेक्ट विल बी अपॉइंटेड इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks, आफ्टर विच द लेंडर विल अप्रोच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। द बैंक वुड ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट सब्सिडी फॉर इट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट कुड बी वैल्यूड एट अपवर्ड्स $7 billion। वेल, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर ये अपने सेपरेट सब्सिडीज क्रिएट करेंगे, जिस जो अब ऑलमोस्ट ये $7 billion तक इसकी वैल्यूएशन हो सकती है, जिसमें ये नए नए इन्वेस्टर्स भी लाएंगे, इक्विटी इन्वेस्टर्स लाएंगे, ऊपर से कोई लोन नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये एक नया डिज़ाइनर कंसल्टेंट डिज़ाइनर अपॉइंट करेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी लेगा इसके अकॉर्डिंगली, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर यस बैंक ग्रो कर रहा है डिजिटली, जो कि फ्यूचर है यहाँ पर बैंकिंग का, उसमें ये काफ़ी ग्रो करेगा, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर एक बैंक से देखा जाए तो। वेल, और एक न्यूज़ है जो आपने सुनी होगी, देखी होगी, मैंने भी इसे कवर की है, मेरे आज के सुबह के वीडियो में इसे कवर की है, बट स्टिल स्पेशल यस बैंक वीडियो तो इसे कवर करना बनता है। रुपीज़ 2.9 crore लोन यस बैंक टू टेक ओवर हेडक्वार्टर ऑफ अनिल अंबानी। तो ADAG ग्रुप का जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर यस बैंक ने टेक ओवर कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर यस बैंक जो है वो कड़े कदम उठा रही है अपने जो भी बैड डेब्ट्स है उसके ऊपर। तो एक यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से एक रिस्पांस नज़र आ रहा है जो इसके NPAs थे, जो भी इसके बैड डेब्ट्स थे उसके ऊपर, और बैंक जो भी गिरा था वो बैड डेब्ट्स के वजह से गिरा था, उनके NPAs के वजह से गिरा था, और अगर NPAs ही वापस रिटर्न आएंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बैंक। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये दो न्यूज़ काफ़ी अच्छी बात है। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म दोनों की बात करते हैं। वेल, स्पेशली शॉर्ट टर्म वालों की बात करते हैं। आज हमने जहां पर देखा स्टॉक ने हाई ओपन किया और पूरा कंसोलिडेट ही रहा। वेल, इसका मतलब क्या होता है, ये स्टॉक में जैसे भी मैंने ऑर्डर बुक्स देखी थी आज एज इन टोटली, वहां पर मुझे एक बात क्लियरली नजर आई कि स्टॉक 11.10 के नीचे जो लेवल है उसे तोड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। 11.10 टू यहाँ पर 11.6 तक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पर बाइंग के। और एक बात है, स्टॉक ऊपर भी क्यों नहीं गया, क्योंकि 12 से लेके 12.25 तक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स है। ये सेलिंग ऑर्डर्स किसके हैं, यहाँ पर जो सेलर्स है जिन्हें लगता है स्टॉक नीचे जाएगा, ये इनके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। कहाँ तक, 12 रुपीज़ से लेके 12.25 तक इनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे तो लगता है किसी ऑपरेटर को आना चाहिए और एकदम से बड़ी ऑर्डर डाल के इनके सारे स्टॉप लॉस हिट कर देने चाहिए। उसके बाद शायद वापस थोड़ा नीचे चला जाएगा, चलेगा, बट इनके स्टॉप लॉस पहले हिट करो, जिससे क्या होगा यहाँ पर ऊपर ग्रोथ होने में ईजी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉर्मल ट्रेडिंग में ये भी ऊपर जाएगा, इसे ऊपर जाना है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि नीचे काफ़ी ज़्यादा बायर्स लगे हुए हैं, कंप्लीट बायर्स है, पर 12.25 के ऊपर बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली इसका अपर सर्किट है इसके वजह से नहीं है, बट स्टिल ऊपर भी और सेलर्स हो सकते हैं, उनके भी लगे हो सकते हैं, बट एटलीस्ट इनके जो मेन जो भी लगे हुए हैं स्टॉप लॉस लगे हुए, जो भी सेलर्स लोग की स्टॉप लॉस है, वो अगर एक बार हिट हो गए तो स्टॉक फ्री हो जाएगा ऊपर मूव ऑन करने के लिए। और बायर्स एज इन कंपेयर टू हम देखा जाए बायर्स यहाँ पर बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक तो ऊपर जाने वाला है, एक ना एक दिन इनके स्टॉप लॉस हिट होने ही वाले हैं। इन्हें लगता है कि थोड़ा स्टॉक नीचे जाएगा, ये बुक कर लेंगे 11 रुपीज़ 10 तक जाएगा, बट ये 11.10 का जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये टेक्निकली बातें मैं यूजुअली करता नहीं, बट शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाले जो स्पेशली इसमें बहुत से लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हैं और उन्हें लगता है कि नहीं अभी नीचे जाएगा, पैनिक हो गए, बहुत से लोग डर गए हैं यहाँ पर स्टॉक में, बहुत से लोग डर गए कि करूँ क्या, मेरा बहुत सा पैसा लगा हुआ है इसमें, क्या है नीचे तो नहीं जाएगा। सब लोग बड़े बड़े लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 10 रुपये तक जाएगा, 8 रुपये तक जाएगा, तो वेल वहाँ तक जाना डिफिकल्ट है, और जाएगा तो भी मैंने बता दिया ये जो लेवल्स है इससे टूटना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये टूटेंगे नहीं तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और नीचे जाएगा, और इसे टूटना ऑलमोस्ट काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पर ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी प्रॉपरली नहीं आ रहा है। एक बड़ा ऑर्डर इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉक को कोई नहीं रोक पाएगा, ये प्रॉपर बात है, ऑनेस्टली बोलूँ तो ये प्रॉपर बात है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस बोलेगा इसको क्रॉस करेगा, उसको क्रॉस करेगा, उसके पीछे एक साइंस होता है कि यहाँ पर ये क्यों क्रॉस करेगा तो ऐसे जाएगा, क्यों क्रॉस नहीं करेगा तो ऐसे जाएगा। मैं यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट स्टिल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म वालों के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, डिलीवरीज देखनी पड़ती है, ऑर्डर बुक देखनी पड़ती है। वैसे अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो यहाँ पर ये बात साफ साफ क्लियरली आती है। तो अगर आप यहाँ पर पैनिक हो रहे हो तो पैनिक बिल्कुल मत होना, डरना बिल्कुल भी नहीं, आप होल्ड करो। एक बार इनके स्टॉप लॉसेस जो शेयर वालों के स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाए, वो हिट होने के बाद सब स्टॉक ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर रैली करने लग जाएगा, और बाद में जब ये 15 रुपीज़ का पॉइंट है उसके बाद जो सेफ ट्रेडर्स है वो भी एग्जिट मारने लग जाएंगे, बट उसके बाद लोगों में यहाँ पर एक नया विश्वास आएगा कि हाँ स्टॉक बैंक ग्रो करेगा। जैसे जैसे यहाँ पर 15-16 क्रॉस करने लग जाएगा, लोग यहाँ पर बाकी के लोग भी यहाँ पर बाइंग करने स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसी खबर है कि यहाँ पर रिटेलर्स जो स्पेशली है वो 15-16-17 रुपीज़ के लेवल्स के लिए रुके हैं। बहुत से लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो 15-16-17 के लेवल को, 20 के लेवल को भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर यहाँ पर FPO नहीं आता और जो रिजल्ट्स अभी आए हैं, जो भी प्रॉफिट अभी आया है वैसा अगर प्रॉफिट आता तो ऑब्वियसली स्टॉक 40 तो टच कर ही जाता। FPO की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।